जब आंखों ने अरमान लिया, जब आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब मान लिया तो मान लिया। अमित ने जो खाना ही था, उनके बाबा 80 साल के, उन्होंने भी खाना था कि मैं भी इस बच्चे को केजीएमयू या बीएचयू पहुंचा के रहूंगा, एम्स पहुंचा के रहूंगा। आज मैं वो रास्ते में उनसे बात कर रहे थे, अभी मैं मिलने गया था उनसे, आशीर्वाद लेने, तो मुझसे कहते एम्स मिलेगा कि नहीं, मैंने कहा मिलेगा। तो वो अमित से ज्यादा खान लिए थे, अब मुझे बार बार कह रहे थे एम्स मिलेगा कि नहीं। तो जब बच्चों के साथ पेरेंट भी खान ले तो कुछ भी संभव है। तो जो आज सिलेक्शन की श्रृंखला है उसमें सबसे पहले कड़ी के रूप में मैं बुलाऊंगा अमित सिंह को। अमित सिंह आए, उनके साथ उनकी मम्मी पापा भी आए। और इनके पापा जी जो है उनसे मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ मिल करके, शिक्षक रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बार मैं फिर उनके घर जाऊंगा बहुत सारे। पांडे सर ने माल्यार्पण किया, मुंह मीठा करवाया। ये डॉक्टर का जो शुरुआती होता है स्टेटस को परिवार के तरफ से एक छोटी सी भेंट, एक चेक देते हैं हम लोग, जैसा कि मैं बार बार क्लास में बताता रहता हूँ, एक चेक भी हम उनको दे रहे हैं। हमेशा की तरह थोड़ी सी मदद होती है, एक चेक देते हैं, उनको अच्छा लगता है, पांडे क्लासेस को अच्छा लगता है। तो अब ये देखिए अमित के बाबा जी हैं और ये प्राथमिक शिक्षक रहे हैं, 80 साल के हैं। अमित को इलाहाबाद में लेकर तैयारी करवाते थे, नैनी में रहते थे अमित के साथ ही और रहते थे, और इनकी दादी भी रहती थी, खाना बना के खिलाते थे। उनके मम्मी पापा भी आए हैं जो है, और मम्मी उनकी बहुत ही अच्छी है, जितनी भी तारीफ करें कम है। और पापा की भी मैं तारीफ करूँ तो कहेंगे बाद में करके तुम्हारी तारीफ हुई हमारी थोड़ी नहीं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। चलिए आप आइए। मोहिनी जी हमारे यहाँ बहुत मेहनत करती रहती है, वो माल्यार्पण करेंगे अमित की मम्मी का। चलिए पहनाओ ना अपना। बाबा जी ने तो मैं सबसे पहले उन्हीं से पूछूंगा कि हम लोग तो भाई वो क्या सोचते थे अमित के बारे में, कैसे पढ़ाई करते थे, वो ज्यादा चीजों को बता देंगे। तो मैं पहले इनसे बात करूंगा, फिर मम्मी पापा से बात करूंगा, फिर अमित के साथ बात करूंगा। तो चलिए बाबा जी बताएं अमित के बारे में। बताएं अमित के बारे में कि हम इनको नाव से नाव कक्षा से पढ़ाई शुरू किया,
और इसके बाद से जब ये इंटर पास हुए तो इनके भी मेरी इच्छा थी कि हम एयर से पहुँचाऊंगा। तो आज जब ये समय आ गया है इनके लिए जब दिल पहुँच रहे मिलने गया था इनको आशीर्वाद लेने कह रहे थे कि मेरी उम्र 10 साल सर पाई गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 10 साल हमारे पिताजी हमारे प्रेरणा स्रोत है सब हम इन्हीं के वर्ष गुजार है। चलिए मोहित थोड़ा बताएंगे आपको तैयारी करने का तरीका भी बताएंगे। 672 नंबर है बीम कुली का है मोहित बताइए। पढ़ाई करने के लिए तो सब टीचर से लगे रहते थे बहुत हेल्प करते थे कभी डिमोटिवेशन होता है तो बात करना चाहिए टीचरों से और हमें मोटिवेट करते रहते हैं और टेस्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए टेस्ट पूरे देने चाहिए वो एक प्रकार से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उसमें और उसकी गलतियों से सीखना चाहिए। जैसे आप एक टेस्ट के बाद एक मिस्टर कॉपी बना लें जिसमें आपकी जो गलतियाँ होती हैं उसको लिखते जाए और उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे जो आप टॉपिक भूल जाता है उसका शॉर्ट नोट्स बना लें सर गेटिंग के सर पूरा बता दिए थे उससे वही कोई है ही नहीं और फिजिक्स के जो पांडे सर को तो सभी कोई जानते हैं सब मुश्किल कॉन्सेप्ट एकदम इजी कर देते हैं। Thank you.